हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? इतना जो गर्मी है, गर्मी में जब खाना बनाना होता है लंच के टाइम या फिर डिनर के टाइम, सोचने बैठ जाते हैं क्या बनाएं क्या बनाएं। परवल तो इस सीज़न में बहुत मिलता है। आज उसी परवल का एक अच्छा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दही परवल, बंगाली में बोलते हैं दही पटल। हेल्दी भी है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसको आप रोटी, पराठा, पूरी, प्लेन राइस सब के साथ आप सर्व कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं दही परवल और दही पटल। मैं यहाँ पे आधा किलो के करीब ऐसे परवल ले लिए हैं और उसको इस तरह से छिलका रिमूव कर दिए, मतलब छिलका हटा लिए, दोनों साइड से इस तरह से कट कर लिए। हल्दी, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च लगा दी। ये मसाला थोड़ा सा लगेगा, काजू और हरी मिर्च इस तरह से मैं पानी में भिगो के रखे थे कुछ देर, 10 से 15 मिनट। उसके बाद मिक्सी में एक पेस्ट बना लेंगे इसका। ये बहुत ज़रूरी है काजू इसमें डालना। और दही को मैं फ्रीज से निकाल के थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में जैसे आ जाएगा इस तरह से फेंट के रख लिए हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने दही लिए हैं। जो काजू और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बनाए हैं उसके साथ ये दही को भी मैं यहाँ पे मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने से पहले अच्छे तरह से दही को फेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और काजू मैंने 15 से 20 लिए थे और हरी मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे 3 से 4 लिए थे। जो जितना तीखा पसंद करते हैं या तीखा नहीं खाना पसंद करते उस हिसाब से आप लोग हरी मिर्च ऐड कीजिएगा। इस रेसिपी में ये पेस्ट, काजू का जो पेस्ट है ये बहुत अच्छा, मतलब एक रिच लुक भी देता है, टेस्ट को भी इन्हेंस करता है। और एक पेस्ट मुझे यहाँ पे बनाना होगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी। थोड़े से पानी मिला के इस तरह से पेस्ट बना के रखूँ। देन कढ़ाई मैंने पहले से ही बैठा दिए थे गरम करने के लिए। उसमें 3 टेबलस्पून इस तरह से मैंने सरसों का तेल इसमें ऐड किए। ये रेसिपी सरसों तेल में ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अभी कढ़ाई को मैं थोड़ा सा गरम कर लूँगी क्योंकि परवल को इसमें मुझे फ्राई करना है, इसीलिए ऑयल गर्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया तो मैं एक एक करके इसमें जो परवल को मैं नमक, हल्दी और लाल मिर्च से उसके साथ मिक्स करके रखे थे उसको इस तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा इसमें ब्राउनिश कलर मतलब ऐड हो जाए, कलर चेंज होके उतना ही तक इसको फ्राई करना है। इस तरह से देखिए हल्का डीप ब्राउन बोलिए या फिर रेड कलर आ जाएगा उतना तक। अभी मैंने थोड़ा और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिए हैं और गरम मसाला, गोटा गरम मसाला मैंने तड़का लगा दिए। 2 इलायची, 4 से 5 लौंग और 1 आपका जो दालचीनी है वो 3-4 टुकड़ा इसमें ऐड कर दिए। इसका जैसे ही इसमें ऑयल में फ्राई हो जाएगा स्मेल आने लगेगा। तो जितना भी ड्राई मसाला मैंने पानी में पेस्ट बना के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे ऑयल में, लेकिन इस समय मैं गैस को एकदम धीमी आंच पे कर दी क्योंकि ये जो ड्राई मसाला है थोड़ा सा अगर आप हाई फ्लेम में इसको चलाएंगे तो ये जल सकता है। इस तरह से इसको फ्राई करेंगे तो इसका जो कच्चापन वो दूर हो जाएगा और इसमें ऑयल जो है वो बाहर निकल आएगा, तब आपका ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो रेडी हो जाता है। अभी इसमें मैं और थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दे रही हूँ।
ये मुझे एक्चुअली लगा कि हल्दी और ऐड करना चाहिए, इसलिए मैंने दिए हैं यहाँ पे। मैं पहले से ही उस मसाले में हल्दी ऐड करके रखे थे। ये जो परवल बनता है ना, दही परवल, आप राइस के साथ हो, चपाती के साथ हो, मतलब रोटी पराठा सब कुछ के साथ आप इसको खा सकते हैं। जैसे ही मेरा ये ड्राई इंग्रेडिएंट मतलब मसाला फ्राई हो जाएगा, अच्छी तरह से ऑयल छोड़ने लगेगा, जो परवल मैंने फ्राई करके रखे थे इसमें ऐड कर देंगे। परवल जो दोनों साइड से कट किए, उससे क्या है इसके अंदर मसाला जाएगा अच्छी तरह से, और मतलब अंदर तक मसाला जाएगा, खाने में टेस्ट लगेगा। इसको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट धीमी आंच पे पका लेना है जो मसाला है उसके साथ। इतना अच्छा स्मेल आ रहा है, क्या बोलूँ आपको। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। हाँ, इसमें और एक बात, मैं तो हर एक मेरा जो कुकिंग प्रोसेस है उसमें मैं गर्म पानी यूज़ करती हूँ, लेकिन ख़ास करके यहाँ पे आप गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी यूज़ कीजिएगा, ठंडा पानी इसमें मत डालिएगा। इतना ही तक पानी डालना है इसमें, थोड़ा सा परवल जो है उसमें रहेगा और कवर कर देना है लीड से, तो परवल जो और थोड़ा सा पकना होगा वो पक जाएगा आराम से। देखिए 5 से 6 मिनट बाद मैं लीड को हटा दिए, ग्रेवी जो है वो भी थोड़ा सा थिकनेस और हो गया, और मतलब पानी सूख गया है और परवल भी अच्छी तरह से पक गया है, ये देखिए। लगभग रेडी है। अभी इसमें जो मैं काजू का पेस्ट और दही हरा मिर्च एक मिक्स बना के रखे थे उसको यहाँ पे ऐड करूँगी। ये काजू और ये दही ये ऐड करने से ना एक क्रीमी टेक्सचर इसमें आ जाता है, ग्रेवी भी बहुत अच्छा मतलब क्रीम एक बन जाता है, कलर भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसको अच्छी तरह से सारे मसाले में मिक्स कर देना है बहुत अच्छी तरह से। अगर आप लोगों को इतना ही गाढ़ापन मतलब जो ग्रेवी है ऐसे ही चाहिए तो यहाँ ही मतलब यहाँ तक आप रख सकते हैं, और इससे और थोड़ा सा ग्रेवी अगर पतला करना चाहते हैं तो गर्म पानी इस टाइम पे या फिर थोड़ा सा जैसे ये बॉयल हो जाएगा उसके बाद ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि सॉल्ट या नमक ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक्स अप्लाई कर मैं करती हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। नमक मैं इसी टाइम पे ही ऐड करती हूँ इस ग्रेवी में, शुरू से जितना मैंने मसाला फ्राई किए जो परवल है वो फ्राई करने के टाइम दिए थे, बट मसाला ग्रेवी ये सब फ्राई करने टाइम हम नमक नहीं दिए थे। थोड़ा सा जैसे सारे मसाले देने के बाद हल्का सा फ्राई हो जाए तब मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्ट या नमक ऐड किए, उसके बाद 1 टीस्पून यहाँ पे चीनी ऐड किए। देखिए मुझे लगा थोड़ा सा ग्रेवी होना चाहिए और इसीलिए मैं गर्म पानी और थोड़ा सा ऐड कर दिए। और एक बात, ये चीनी जो मैं यहाँ पे शुगर जो ऐड किए ये आप लोगों को अगर अच्छा ना लगे आप स्किप कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा मिठास होना ज़रूरी है, बैलेंस हो जाता है टेस्ट। इसीलिए यहाँ पे मैं शाही गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। बहुत बहुत अच्छा एक स्मेल देगा इससे। गरम मसाला चाहिए आप घर का बना हुआ वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम यही यूज़ करते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एंड 1 टीस्पून मैंने इसमें घी ऐड कर दिए। जब गरम मसाला दिए हैं तो घी ऐड करना ज़रूरी है, तभी तो स्वाद और अच्छा मतलब बनेगा, स्वादिष्ट होगा। तो इसमें अब थोड़ा सा मैं 2 से 3 मिनट के लिए
इसको ढक के एकदम धीमी आंच पे पकने देंगे। सारा मसाला सब कुछ एक साथ जो परवल है उसके साथ जैसे ही ग्रेवी थिक हो जाएगा, मैं इस तरह से गैस ऑफ करके 2 मिनट रेस्ट करके रख दूंगी। उसके बाद मैं सर्विंग जो बोल है उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। अभी मेरा ये दही परवल बन के तैयार है। दिखने में जैसे जितना खूबसूरत है, खाने में भी उतना टेस्टी होता है। ज़रूर उसको ट्राई करके देखिएगा। गर्मी के दिन का ये एक वेजिटेरियन रेसिपी भी है। और दही परवल तो ऐसे ही दही खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये प्लेन राइस हो, जीरा राइस हो, या फिर पराठा हो, रोटी हो, सबके साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट पे, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे नए रेसिपी के साथ। बाय बाय, ऑल ऑफ यू।